दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने दी होली की बधाई। दोस्तों झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके होली की बधाई दी है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, सभी देश और झारखंड वासियों को रंगों के त्योहार होली की अनेक अनेक शुभकामनाएं और जोहार। रंगों का यह त्योहार आप सभी के जीवन को सुखमय और सुरक्षित रखे, यही कामना करता हूँ। खबर है झारखंड को केंद्र की सौगात, 3,000 करोड़ से अधिक के सड़क, पुल और ओवरब्रिज प्रोजेक्ट होंगे शुरू। दोस्तों झारखंड की राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों की सड़क परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है। इसके तहत रांची से अन्य जिलों को जोड़ने वाली सड़कों की चौड़ीकरण, मजबूतीकरण, पुल, कलवट और ओवरब्रिज के निर्माण जैसे काम होंगे। लगभग 3,395 करोड़ रुपए से ज्यादा की इन परियोजनाओं के बारे में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को पत्र लिखकर जानकारी दी है। खबर है सिमडेगा में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 2 बच्चियों को कुचला, मौके पर दर्दनाक मौत। दोस्तों झारखंड के सिमडेगा जिले से होली की सुबह एक दुखद खबर आई, जहां सदर थाना क्षेत्र के बीरू सेम्बई बाजारटांड के समीप 2 बच्चियों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार एक स्कॉर्पियो की चपेट में आने से 11 साल और 10 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। खबर है पड़ोसी के साथ विवाद में महिला दारोगा का फटा सिर, जांच में जुटी पुलिस। दोस्तों होली के दिन भी लोग शांति से नहीं रह रहे हैं, मारपीट और गोलीबारी की घटनाएं सामने आ रही हैं। रांची के धुरवा थाना क्षेत्र के ओल्ड एसटी इलाके में एक महिला दारोगा बेबी झा का उसके पड़ोसी के साथ विवाद हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट की घटना में रांची पुलिस में पदस्थापित बेबी झा का सिर फट गया। पुलिस उसे प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल ले गई है। बेबी झा अरगोड़ा थाना में पदस्थापित हैं। धुरवा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर है इन 8 राज्यों में ज्यादा है कोरोना का कहर, अकेले महाराष्ट्र में मिल रहे 60% से ज्यादा नए केस। दोस्तों बीते 24 घंटे में कोरोना के 68,000 नए केस सामने आए हैं, यह इस साल का सबसे अधिक आंकड़ा है। खासतौर पर महाराष्ट्र समेत देश के 8 राज्य कोरोना का गढ़ बनते दिख रहे हैं। बीते एक दिन में मिले 68,000 केसों में से 40,414 केस अकेले महाराष्ट्र में ही सामने आए हैं। इस लिहाज से देखें तो देश भर में मिले कोरोना के 60% मामले अकेले महाराष्ट्र से ही दर्ज किए गए हैं। दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, जहां बीते एक दिन में 3,082 नए केस सामने आए हैं। इसके अलावा पंजाब में 2,870 और मध्य प्रदेश में 2,276 केस दर्ज किए गए हैं। खबर है पीएम मोदी ने देशवासियों को दी होली की बधाई, कहा हर किसी के जीवन में नया जोश भरे त्योहार। दोस्तों होली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई अन्य नेताओं ने देशवासियों को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह त्योहार हर किसी के जीवन में नए जोश और नई ऊर्जा का संचार करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, आनंद, उमंग, हर्ष और उल्लास का यह त्योहार हर किसी के जीवन में नए जोश और नई ऊर्जा का संचार करे। खबर है 2 सहेलियों की लाश पेड़ से लटकती मिली, जांच में जुटी पुलिस। दोस्तों झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के लाजोरा गांव में एक पेड़ से 2 युवतियों की लटकती लाश मिली। यह घटना इलाके में सनसनी फैल गई, वहीं चर्चा और कौतूहल का विषय बना हुआ है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। खबर है चीन गई WHO की टीम ने कहा, जानवरों से ही इंसानों में कोरोना फैलने की आशंका। दोस्तों COVID-19 की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए चीन का दौरा करने वाली विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण के चमगादड़ से अन्य जानवरों के जरिए मनुष्यों में फैलने की आशंका है। प्रयोगशाला में वायरस फैलने की आशंका बहुत कम है। समाचार एजेंसी AP को मिली जांच टीम की मसौदा रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। हालांकि जांच रिपोर्ट में उम्मीद के अनुसार कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। खबर है NCP चीफ शरद पवार अस्पताल में भर्ती। दोस्तों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP के अध्यक्ष शरद पवार पेट में दर्द की शिकायत के बाद
मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। 80 साल के पवार के हॉस्पिटल में एडमिट करवाने की पुष्टि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने की है। मलिक ने कहा, हॉस्पिटल में जांच के दौरान उनके पित्ताशय में कुछ दिक्कत का पता चला है। डॉक्टर्स की टीम लगातार उनकी जांच कर रही है। हमें उम्मीद है कि पवार साहब जल्द स्वस्थ होकर घर लौटेंगे। खबर है रांची पुलिस लाइन में पोस्टेड जवान की संदेहास्पद मौत। दोस्तों, रांची पुलिस लाइन में पोस्टेड पुलिस जवान बाबूलाल लकड़ा की संदेहास्पद स्थिति में मृत्यु हो गई। वह गढ़वा जिले का रहने वाला बताया गया है। आपको बता दें कि औंधे मुंह गिरने से सिपाही की मौत हुई। खाना खाने के बाद जवान बर्तन धोने के लिए निकला, इसी दौरान वह गिरा गिर गया। गिरते ही जवान की मौत हो गई। मौत के बाद जवान का पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। इधर जवान को रांची पुलिस लाइन में सलामी दी गई। सलामी के बाद शव को उसके घर भेजने का इंतजाम किया गया। खबर है दिल्ली में अब एलजी ही सरकार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जीएनसीटीडी बिल को दी मंजूरी। दोस्तों, दिल्ली में अब उपराज्यपाल की शक्ति पहले से और बढ़ गई है। दिल्ली में एलजी और मुख्यमंत्री के अधिकारों को स्पष्ट करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अब ये कानून बन गया है। रविवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी बिल 2021 को मंजूरी दे दी। आपको बता दें कि संसद में इस बिल के पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया। इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार एक बार फिर से विरोध में उतर आई है। खबर है 1 अप्रैल से इनकम टैक्स रिटर्न में देनी होगी ये जरूरी जानकारी। दोस्तों, 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है। नए वित्त वर्ष में इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ी कई अहम बदलाव होंगे, इसलिए आपको नए सिरे से प्लानिंग करने की आवश्यकता है। नए वित्त वर्ष में आपको अपनी टैक्स रिटर्न में कई तरह की जानकारियां जरूर देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर आपको मुसीबत उठानी पड़ सकती है, साथ ही जुर्माना भी देना होगा। खासकर शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने वाले या फिर डिविडेंड से कमाई करने वालों को इसका खास ख्याल रखना होगा। 1 अप्रैल के बाद आप कोई भी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नहीं छुपा पाएंगे। खबर है होली के बाद लगेगा महंगाई का झटका, महंगी होंगी मोबाइल फोन और गाड़ियां। होली के उत्साह के बीच लोगों के लिए एक बुरी खबर भी है। अगर आप नया मोबाइल फोन या 2 पहिया या 4 पहिया गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो 1 से 2 दिनों में अपनी बुकिंग कर लें। अप्रैल के पहले सप्ताह में लोगों को महंगाई का झटका लग सकता है। दरअसल केंद्रीय आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि लोकल मोबाइल पार्ट्स, मोबाइल चार्जर, एडाप्टर, गैजेट्स, बैटरी, हेडफोन पर इंपोर्ट ड्यूटी 2.5% बढ़ जाएगी। इसका असर अब 1 अप्रैल से दिखने की संभावना है। खबर है RBI ने बैंकों को दिया निर्देश, 31 मार्च को चेक क्लियरेंस के लिए बैंक करेंगे खास व्यवस्था। दोस्तों, बैंक सरकारी खातों के सालाना लेनदेन को पूरा करने के लिए चालू वित्त वर्ष के अंतिम दिन 31 मार्च को स्पेशल क्लियरिंग ऑपरेशन करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने बैंकों के लिए सुचारू क्लियरिंग ऑपरेशन को लेकर निर्देश जारी किया है और उन्हें अनिवार्य रूप से इसमें शामिल होने को कहा है। केंद्र और राज्य सरकारों के सालाना खाताबंदी से जुड़े लेनदेन के संदर्भ में 2020-21 के लिए विशेष उपाय किए गए हैं। RBI ने सभी सदस्य बैंकों से क्लियरिंग सेटलमेंट अकाउंट में पर्याप्त राशि रखने को कहा है। खबर है नए लेबर कोड से बढ़ सकती है आपकी ग्रेच्युटी। दोस्तों, नया वेतन कोड लागू होने के बाद कुछ कर्मचारियों की सैलरी में बदलाव हो सकता है। नए नियमों के तहत कंपनियों को कुल वेतन का कम से कम 50% पैसा बेसिक सैलरी के रूप में देना होगा। ऐसे मामलों में जहां बेसिक सैलरी 50% से कम है तो कंपनी को 4 नए लेबर कोड के तहत नए नियमों का पालन करने के लिए सैलरी में बदलाव करना पड़ सकता है। इनमें इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड और कोड ऑन वेजेस शामिल हैं। बेसिक सैलरी में वृद्धि से कर्मचारियों की ग्रेच्युटी भी बढ़ेगी क्योंकि ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन बेसिक सैलरी पर आधारित होती है। खबर है 1 अप्रैल से डाकघर के बचत खाते में अब रुपए जमा करने और निकालने पर लगेगा शुल्क।
दोस्तों, डाकघर में बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस के बाद अब नकद निकासी और जमा करने के नियम में बदलाव होने जा रहा है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 1 अप्रैल से तय सीमा से अधिक नकद निकासी व रकम जमा कर ग्राहकों से अलग से शुल्क लेगा। इस संबंध में IPPB ने नोटिस जारी कर दिया है। डाकघर में बचत खाता चलाने वाले ग्राहकों को 1 अप्रैल से नए नियम का पालन करना होगा। नए नियम के अनुसार बेसिक बचत खाते में 1 माह से 4 बार नकद निकासी पर कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा। खबर है, होली के बाद देश के 11 करोड़ 74 लाख लोगों को सरकार करेगी पैसा ट्रांसफर। दोस्तों, केंद्र सरकार होली के बाद देश के लगभग 11 करोड़ 74 लाख किसानों को खुशखबरी देने वाली है। अगर आपने भी पीएम किसान सम्मान निधि में रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आपके खाते में जल्द ही पैसे आने वाले हैं। सरकार होली के बाद पीएम किसान की 8वीं किस्त जारी करेगी। ये किस्त अप्रैल महीने में किसी भी समय आपके खाते में आ सकती है। आपको बता दें कि अगले कुछ दिनों में अगर आपके स्टेटस में RFT साइनेड बाई स्टेट लिखा है तो इसका मतलब यह है कि आपकी अप्रैल वाली किस्त आने वाली है, और अगर नहीं लिखा है तो आपकी किस्त आने में संदेह है। खबर है, 1 अप्रैल से बदल जाएंगे इन बैंकों के चेकबुक और पासबुक। दोस्तों, 1 अप्रैल 2021 से देश के कई बैंकों की पुरानी व्यवस्था बदल रही है। 1 अप्रैल 2021 से पुरानी चेकबुक, पासबुक और इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड आपके कोई काम नहीं आएगा, सब इनवैलिड हो जाएंगे। ऐसे में अगर आपका खाता भी इन सार्वजनिक बैंकों में है तो समय रहते चेकबुक समेत सब कुछ अपडेट करवा लें। जी हाँ, अगर आपका भी खाता देना बैंक, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और इलाहाबाद बैंक में है तो इन बैंकों के विलय के बाद अब 31 मार्च के बाद से इनके पुराने चेकबुक नहीं चलेंगे। आपको बता दें कि ये वे बैंक हैं जिनका दूसरे बैंकों में विलय 1 अप्रैल 2019 और 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हुआ है।